Hello everyone, welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, in this video we are going to talk about the concepts of embryogenesis. Okay, so stay tuned and watch the full video to understand the concept of embryogenesis. So what happens first, this sperm which is called male gamete and this ovum, okay, which is female gamete, okay, both fuse with each other and form a zygote. क्योंकि हमें पता है कि male gamete और female gamete के fusion से zygote का formation होता है. ये दोनों haploid हैं, okay, और जब ये आपस में fuse करते हैं तो it makes a diploid cells called zygote. अब यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन इसके आगे अब क्या होता है कि ये जो zygote है, okay, it starts dividing, okay, it undergoes division. एक से दो बनेगा, दो सेल बनेगा, दो से चार, चार से आठ, इन दिस मैनर. लुक एट दिस, ओके, यहाँ एक जाइगोट है, वन टू टू, टू फोर, फोर से एट, ओके. अब ये जो एट टू सिक्सटीन सेल वाला जो स्टेज आता है, ओके, एट टू सिक्सटीन सेल वाला एक स्टेज आएगा, तो उस स्टेज को हम कहते हैं मोरूला, ओके, दिस स्टेज इज कॉल्ड मोरूला. तो अब क्या है कि जो ये मोरूला है, इट इज़ अ टाइटली कॉम्पैक्ट सेल, ओके, इट इज़ अ टोटली कॉम्पैक्ट, ओके, देर इज़ नो एनी गैप बिटवीन दिस स्फीयर्स, ओके, इट ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होता है, देर इज़ नो एनी कैविटी, एज्यूम एज इट इज़ अ हार्ड सॉलिड स्फीयर, ओके. तो इस 8 टू 16 सेल वाले स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं. तो नाउ दिस मोरूला स्टार्ट्स अरेंजिंग इट सेल्फ, जो ये जितने भी मोरूला में जो सेल्स हैं ये खुद को अरेंज करना शुरू करते हैं, इन दिस मैनर. लुक एट दिस, इन दिस मैनर दे अरेंज देम सेल्फ, यू कैन क्लियरली सी हियर, ओके. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर अरेंजिंग, यू कैन लुक एट दैट, हियर इज अ कैविटी, ओके, यू कैन लुक क्लियरली, यहाँ पे एक कैविटी रह जाती है, ठीक है. तो इस जो हॉलो कैविटी है, ओके, ये जो खाली बीच में जो जगह है, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील. इट्स अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील. एंड ईच ऑफ द सेल्स विच आर अरेंज्ड हियर, ओके, जो एक एक सेल्स यहाँ इस तरह से इस मैनर में अरेंज्ड हैं, इस सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है. एंड दिस होल स्ट्रक्चर, ओके, दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, ओके, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट ब्लास्टुला. सिंपली बस इतना जान लीजिए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं. नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस मोरूला एंड ब्लास्टुला. हियर मोरूला इज टोटली कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, ओके, यहाँ पे कहीं भी कैविटी नहीं है, ये पूरी तरह से टाइटली अरेंज है. लेकिन जो ब्लास्टुला है या जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, इसमें एक हॉलो कैविटी है, ओके, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो अभी अभी मैंने मेंशन की, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, ओके. एंड दिस आउटर लेयर, ओके, यू कैन लुक एट दिस आउटर लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म, ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म. सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोरूला एंड ब्लास्टुला. तो अब फर्दर क्या होता है कि ये जो ब्लास्टुला है, ओके, इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स यूटरीन वॉल, ओके, अब ये यूटरीन वॉल की तरफ माइग्रेट करता है एंड देन गेट्स इम्बेडेड टू द वॉल ऑफ यूट्रस, और यूट्रस की वॉल से जाके इम्बेड हो जाता है, अटैच हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ओके. और जब ये जो ब्लास्टुला जो है वो यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. एंड दिस इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, ओके. आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ दिस ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटरीन वॉल, अ फीमेल गेट्स प्रेगनेंट. अब क्या है कि यूटरस में तीन वॉल होते हैं, ओके, जो सबसे आउटर वॉल होता है उसे हम कहते हैं पेरीमेटेरियम, जो मिडिल वॉल होता है उसे कहते हैं मायोमेटेरियम, और जो इनर वॉल होता है उसे कहते हैं इंडोमेटेरियम. और ये जो ब्लास्टुला है यूटरस के इंडोमेटेरियम वॉल से जाके अटैच होता है. तो आफ्टर अटैचमेंट व्हाट हैपेंस दैट इट सूनर इट स्टार्ट्स टू गेट
ब्लड सप्लाई। ओके, अब इसमें ब्लड की सप्लाई हो जाती है जिसके थ्रू इसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके ग्रोथ के लिए, ओके, सारे न्यूट्रिएंट्स इसे मिलना शुरू हो जाया करते हैं। ओके, एंड इट दिस ब्लास्टुला सेल्स गेट्स फर्दर डिवाइड एंड प्रोड्यूस थ्री सेपरेट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ओके, अब क्या होता है कि जब इसे न्यूट्रिएंट मिलना शुरू हो गया तो ये फर्दर डिवाइड करता है और तीन सेपरेट लेयर ऑफ सेल्स बनाता है जिस स्टेट को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। एंड दी दोज थ्री लेयर्स आर नथिंग बट इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। आपने सुना होगा कि जो भी ऑर्गन है वो तो या तो इक्टोडर्मली डेराइव्ड है, या तो मीजोडर्मली डेराइव्ड है, या तो इंडोडर्मली डेराइव्ड है। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। सो गाइज, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एम्ब्रायोजेनेसिस एंड इम्प्लांटेशन। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।